बॉल रेंज के हिसाब से, अगर ज़्यादा होता तो हल्का सा कम भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हल्का हल्का। और फाइनली हल्का हल्का करने के बाद में वापस से चेक कर लिए एक बार कौन सा मेन पेनफुल पॉइंट है, उस पर लेके होल्ड करो या कोई भी जिग-जैग करो। मैंने कहा सफिशिएंट टाइम तक, उसको हाथ को देखते हुए थोड़ा चेहरे पे भी देख लो, ऐसा तो नहीं कि आंसू निकल रहे हो। हाँ, और कम से कम महिला के तो आंसू मत निकालो। अगर आपने सही पॉइंट किया है, सही तरीके से कर रहे हैं, सही टेक्निक से कर रहे हैं, तो इसमें क्या चेंज आता है? ये ट्रीटमेंट पेन से शुरू होता है, पेन से शुरू होगा ना, पेन है तो, और धीरे धीरे वो पेन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर से, और उसकी जगह वहाँ पर एक टिंगलिंग जैसा फीलिंग आना शुरू हो जाती है, पेन कम हो जाता है। बॉल भी नीचे महसूस होती है। देखो देखो गर्दन देखो, चेक कर दो, सही में चेक करके बताओ अच्छी तरह। कई बार तो जो है ना, कई बार वो मैंने कहा इसमें तो अपन रियल में जज नहीं कर सकते, प्रेस एंड होल्ड क्या कहते हैं, आपने सही पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, और क्योंकि अपन जब क्लॉक वाइज घुमाते हैं ना तो दर्द बढ़ता है, तो अपन क्या करें इसकी देखा और एक लेवल तक देख लिया, इतना इसको सहन होता है, बस कुछ नहीं करना, प्रेस कर दे, प्रेस करके होल्ड करो आधा मिनट 20 सेकंड 25 सेकंड, फिर रिलीज कर दो थोड़ा सा, जब लगे कि ये सब टॉलरेंस इतना भी अब टॉलरेट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हटा दो, फिर वापस प्रेस एंड होल्ड। तो प्रेस एंड होल्ड भी ट्रीटमेंट की बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही इफेक्टिव है, कई बार तो ये बहुत मज़ेदार काम करती है। प्रेस एंड होल्ड, खाली प्रेस करके होल्ड करो, फिर पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से उसको रिलीज कर दो। तो अपने इसका एक बार अब ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं, वापस से देखते हैं कौन सा पॉइंट जो मेन पॉइंट फुल पॉइंट आया था। यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉइंट यहीं पर है। एक बार अब इसको लेके बियरेबल प्रेशर कितना होना चाहिए पेशेंट को, हमेशा हमेशा हम उसके साथ में ऐसा नहीं कि क्रुएल्टी नहीं कर रहे हैं, क्रुएल्टी थोड़ी कर रहे हैं कि उसको इतना कर दे कि जो बस उसके सांस ही निकाल दे, ऐसी क्रुएल्टी नहीं। हाँ पेन तो होना चाहिए लेकिन सब्जेक्टिव, इसकी क्या कैपेसिटी है, मेरी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या कैपेसिटी है, इतना तो अनुभव से आना चाहिए ना। हाथ अगर हाथ में लग रहा है कमज़ोर है, या छोटे बच्चे हैं, या महिलाएँ हैं, या ओल्ड एजेड पर्सन पुरुष है, या कभी कभी कोई कोई जेंट्स भी बहुत कमज़ोर से होते हैं, जरूरी थोड़ी है, तो उनके हिसाब से थोड़ा पेन कम, और थोड़ा लग रहा मस्कुलर है, बॉडी अच्छा बिल्डिंग है, थोड़ा इसको स्ट्रांग है, बॉक्सर जो होना जरूरी थोड़ी है, बॉक्सर की थोड़ी, मैं बॉक्सर नहीं हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रांग है, बॉक्सर होना जरूरी नहीं है, कहने का मतलब है ये, उसके हिसाब से वेरिएबल प्रेशर पहले करके वापिस से। कभी कभी लार्जर एरिया हो तो थोड़ा सा अपन इसलिए भी कर सकते हैं, जैसे इसका बड़ा एरिया ना, थोड़ा सा उस एरिया की पहले ऐसा भी कर सकते हैं, हल्की हल्की मसाज भी कर सकते हैं ऐसे, टॉलरेंस के हिसाब से, अगर ज़्यादा होता तो हल्का सा कम भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हल्का हल्का।
और फाइनली हल्का हल्का करने के बाद में वापस से चेक कर लिए एक बार कौन सा मेन पेनफुल पॉइंट है, उस पर लेके